सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले आए। अगर आप SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको SSB OIR की कॉपी लेनी चाहिए ताकि आप अपने स्क्रीन इन होने के चांसेस बढ़ा सको और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। मेरा नाम करण अरोड़ा है और आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 टफेस्ट डिफेंस अकेडमीज ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि कैडेट जो अकेडमी से पास आउट होते हैं वो ऑफिसर बनते हैं, चाहे वो कहीं भी सर्व कर रहे हो, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, वो ऑफिसर्स होंगे और उनको सिमिलर बेनिफिट्स मिलेंगे। सारी अकेडमीज वैल्यू देने के हिसाब से इक्वल है और इनमें डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए। इस लिस्ट में जो रैंकिंग है वो इस बेसिस पे है कि कैडेट को ट्रेनिंग में कितनी डिफिकल्टी हुई। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 लिस्ट ऑफ डिफेंस अकेडमीज ऑफ इंडिया। नंबर 5 पे रैंक किया गया है AFA, एयरफोर्स अकेडमी। एयरफोर्स अकेडमी ज्यादा टेक्निकल में कंसर्न करती है, ना कि फिजिकल ग्रिट में। मेल और फीमेल दोनों एक साथ ट्रेंड किए जाते हैं AFA में। आपका टाइम टेबल बहुत टाइट होता है इसके अंदर। अर्ली मॉर्निंग उठना और फिर पूरा एग्जॉस्ट होके रात को बेड पे जाना, ये कैडेट को एक लाइफ लॉन्ग लेसन देता है। लाइफ AFA में काफी टफ है और इसको लिस्ट में नंबर 5 पे रैंक किया है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई। इस अकेडमी में भी मेल और फीमेल दोनों ट्रेन किए जाते हैं। OTA के अंदर ट्रेनिंग पीरियड कंपैरेटिवली कम होता है, पर लेकिन फिजिकल टफनेस AFA से ज्यादा होती है। कुछ कैडेट्स अपनी जान भी गंवा चुके हैं OTA के इवेंट्स में, जैसे कि स्पोर्ट्स की बात करें तो जैसे कि बॉक्सिंग, क्रॉस कंट्री और भी ऐसी काफी, पर लेकिन डायरेक्ट ट्रेनिंग में ऐसा कभी नहीं हुआ। और नंबर 3 पे रैंक किया है INA, इंडियन नेवल अकेडमी। ये भी दोनों मेल और फीमेल को ट्रेन करते हैं। पूरे टर्म के अंदर हर रोज की हेक्टिक लाइफ तो है ही, पर लेकिन उसके बाद भी कैडेट को कैंप, क्रॉस कंट्री और भी काफी एक्टिविटीज के लिए जाना पड़ता है। INA के सीनियर्स अपने जूनियर्स के साथ काफी टफली बिहेव करते हैं और INA के अंदर फिजिकल टफनेस ज्यादा होने के कारण काफियों की जान गई है। नंबर 2 की बात करते हैं अब, IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। अलग अलग नेबर कंट्रीज के कैडेट्स IMA में ट्रेंड होते हैं। इसमें फिजिकल एंड मेंटल टफनेस बहुत ज्यादा होती है बाकी तीनों के कंपैरेटिवली। ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कैडेट्स बीच में ही छोड़ के चले गए अकेडमी। इसमें जेंटलमैन इंडियन मिलिट्री अकेडमी में सच्चे दिल से जेंटलमैन कैडेट की टर्म डिजर्व करते हैं जो अकेडमी में यूज की जाती है। और नंबर 1 पे है NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी। काफी कंट्रोवर्सीज हुई है टफेस्ट डिफेंस अकेडमी ऑफ इंडिया को लेके। आपको रीजंस के साथ बताता हूँ कि क्यों NDA खड़क वसला बिना किसी डाउट के सबसे टफ अकेडमी है इंडिया की। रीजन नंबर 1 ये है कि ड्यूरेशन ट्रेनिंग की इधर सबसे ज्यादा है। रीजन नंबर 2, कैडेट्स को अपने सीनियर से काफी रगड़ा मिलता है इधर। रीजन नंबर 3 कि कैडेट्स NDA के बॉयज होते हैं जिन्होंने कभी डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया होता एक हेक्टिक टाइम टेबल के साथ। हालांकि काफी डेथ केसेस नहीं हुए हैं NDA में, पर लेकिन काफी केसेस में कैडेट्स को घर वापस भेज दिया गया इंजरीज की वजह से। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 5 टफेस्ट डिफेंस अकेडमीज ऑफ इंडिया। दोस्तों इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं था, बल्कि अवेयर करना था कि ये अकेडमीज में सरवाइव करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसी ट्रेनिंग को फेस करने के लिए आपको बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा मेंटली और फिजिकली। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सारी ट्रेनिंग के बाद ये सारे बॉयज मैन बन जाते हैं जो हर सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, रियल लाइफ हीरोज बन जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपको डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन का इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो करना चाहिए, जहां पे आपको डेली बेसिस पे मोटिवेशन, अपडेट्स, न्यूज एंड एग्जाम नोटिफिकेशन मिलेगी। और दोस्तों मैं सच में जानना चाहूंगा कि क्या आप इन अकेडमीज में जाने को तैयार हो? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो बेझिझक होकर नीचे लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की। वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए ताकि सबको इसकी नॉलेज मिल सके। आप सबको बेस्ट ऑफ लक।